लोग को ये कॉपी दिख रही है? सब बच्चों को दिख रही है जी। अच्छा, आप बताएंगे कि अगर हमको इस पन्ने के खाने गिनने हैं तो हम कैसे गिनेंगे? कुल संख्या अगर हमको पता करनी है, आप बताएंगे कैसे? जोड़ के। अच्छा, जोड़ के तो जोड़ तो हम सकते हैं, लेकिन जोड़ने में हमको बहुत समय लगेगा, इसलिए हम लोग जो हैं इसको एक खड़ी लाइन को पहले गिनते हैं और ऊपर की बेड़ी लाइन को गिनते हैं, फिर खड़ी लाइन से बेड़ी लाइन को हम लोग गुणा कर देते हैं, और गुणा करने से हमको पता चल जाता है कि इस पेज में कुल कितने खाने हैं। ये आसान और सरल तरीका है, जोड़ के भी हम पता करते हैं लेकिन उसमें बहुत हमें समय लगेगा। ये तो छोटी संख्या का हो गया। अब जैसे कोई बड़ी संख्या होती है तो बड़ी संख्या का हमको जो है गुणा निकालने के लिए, जैसे हम आपको बताते, कल मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है मोहन, ठीक है, उसके पिताजी का कारखाना है माचिस का, तो कल वो कारखाना घूमने गया अपने पिताजी के साथ सुबह सुबह, तो उसने देखा बहुत सारी माचिस की तीलियां जो हैं काफी लोग बैठ करके बना रहे हैं, और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा पिताजी एक दिन में इतनी सारी तीलियां बनती हैं? तो उसके पिताजी ने कहा हाँ। तो उसने कहा कि कितनी बनती हैं? तो उसके पिताजी ने बताया कि तकरीबन 2,35,432। उन्होंने तो और उस बच्चा आश्चर्य में पड़ गया, कहने लगा इतनी तीलियां तो 25 दिन में कितनी बनती होंगी? उसके पिताजी बड़े व्यस्त थे, उन्होंने कहा अरे तुम शाम को जाके दीदी से इस समस्या का हल पूछना। तो शाम को आया वो मेरे पास, हमसे कहने लगा कि दीदी दीदी मेरी एक समस्या है, आप इसका हल बताइए। तो मैंने उससे समस्या पूछी, हमने उसकी समस्या का जिस तरह से हल निकाला है आपको भी हम बताते हैं कि हमने कैसे हल निकाला, ठीक है, हम बताएं आप लोग को। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इकाई, ठीक है, उसके बाद आता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, ठीक है, फिर आती है लाख की संख्या, ठीक है, दिख रहा है सबको जी। संख्या क्या थी? 2,25,332, और कितने दिन में बनी इतनी? 25 दिन में, शाबाश। इसको हम लोग 25 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है। आप बताइए 5 दुना क्या होता है? 10। 10 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। शून्य लिखेंगे, हासिल होता है 1। और 15 और 1 16। 16 का हम लिखेंगे 6। शाबाश, हासिल 1। 15 और 1 16। 16 का लिखेंगे 6, हासिल 1 आया। 25 और 1 26। 26 का लिखेंगे 6, हासिल 2। 2 और 6 26 होता है ना, तो हम हासिल क्या लिखेंगे? 2, ठीक है, 2 हासिल लिखा। 5 दुना 10, 10 और 2 12। 12 का हम क्या लिखेंगे? 2, हासिल 1। 5 दुना 10, 10 और 1 11। शाबाश, देखा आपने, ऐसे हुआ। अभी हमने इकाई की संख्या से सब संख्याओं को क्या करा था? गुणा कर दिया। अब हम दहाई की संख्या से करेंगे, ठीक है, तो हम इकाई के नीचे क्या करते हैं? शून्य लिख देते हैं, ठीक। अब 2 दुना 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4। 2 3 6, क्या लिखेंगे? 6। 2 3 6, फिर लिख देंगे 6। 2 5 10, 10 का क्या लिखेंगे? 0, हासिल 1 है। अभी हमने यहाँ पर पहली संख्या का हासिल लिखा था, तो हमें अब याद रखना यहाँ पर हासिल 1 आएगा। 2 दुना 4 और 1 5। शाबाश, अब 2 दुना 10 नहीं होता है, 4। 2 दुना 4, याद से बताइए, 2 दुना 4 होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे,
जीरो में जीरो जोड़ा तो क्या आएगा, शून्य में शून्य आएगा, ठीक है। छह और चार कितना होता है, दस। दस, दस का हम लिखेंगे जीरो, हासिल लगा एक। और छह और छह कितना होता है, बारह। बारह और एक तेरह। तेरह का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तीन लिखेंगे, हासिल एक। फिर एक हो गया हासिल, फिर छह और छह बारह, बारह और एक तेरह। तेरह का हम क्या लिखेंगे, तीन, हासिल एक। शाबाश। दो और एक तीन, पांच और एक छह, छह, शाबाश। और चार और एक पांच। इस संख्या से हमें क्या पता चला कि 25 दिन में इतनी माचिस की तिलियां बनती हैं। 56 लाख कितना हुआ, कैसे पढ़ेंगे इसको, 56 लाख 33,000 300, ठीक है, समझ में आ गया सबको। जो 56,33,300 माचिस की तिलियां 25 दिनों में बनके तैयार होती हैं, ठीक है। अब सुरेश की समस्या का तो हल निकल आया। अब मैं आपको तीन संख्याओं से गुणा करना सिखाऊंगी, ठीक है। अब संख्या हम लिखते हैं, ठीक है, संख्या हम ले लेते हैं 225 ले लें, चलिए आपके हिसाब से 25 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक रेखा खींच ली, ठीक। अब बताइए पांच एक कम पांच, हम यहाँ पर लिख देंगे पांच, पांच थे पंद्रह, पंद्रह का हम लिखेंगे यहाँ पर पांच, हासिल लगा एक, पांच दूना दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह का एक, हासिल लगा एक, पांच छक्का तीस, तीस, हाँ, पांच छक्का तीस, तीस और एक इकतीस, इकतीस का हम लिखेंगे एक, हासिल लगा तीन, पचाम पच्चीस, पच्चीस और तीन कितना होता है, अट्ठाईस, अट्ठाईस का हम लिखेंगे आठ, हासिल लगा दो, पांच पंद्रह, पंद्रह और दो सत्रह, ठीक है। अभी हमने इकाई की संख्या से सब संख्याओं में गुणा करा है, तो हमने इकाई से लिखना शुरू करा था। अब हम जब दहाई की संख्या से करेंगे तो हम इकाई की संख्या के नीचे शून्य लिख देते हैं, ठीक है। आप करेंगे दो एक कम दो, दो, तो पांच की दहाई के नीचे से अब लिखना शुरू करेंगे ना, ठीक है। दो तिहाई छह, छह, तो हमने यहाँ लिखा छह, दो दूना चार, शाबाश। दो छंगा बारह, बारह, बारह का क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो, दो, हासिल एक, एक हुआ। दो पंजे दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह का क्या लिखेंगे एक, एक, हासिल एक, एक। दो तीन छह, छह और एक सात, दो तीन छह, छह होता है ना, हाँ, दो तीन छह और एक सात, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सात, ठीक। अब हमने इकाई की संख्या से करा, दहाई की संख्या से करा, अब जब सैकड़े की संख्या से शुरुआत करते हैं तो इकाई के नीचे भी शून्य आता है, दहाई के नीचे भी शून्य आता है, और जो गुणा करना शुरू करते हैं वो सैकड़े की संख्या के नीचे से लिखना शुरू करते हैं, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। दो एक कम दो, तो यहाँ पर लिख देंगे दो, दो तीन छह, छह, यहाँ लिख देंगे छह, दो दूनी चार, यहाँ लिख देंगे चार, दो छंग बारह, सत्रह नहीं बारह, दो छंग बारह, बारह का क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो, दो, हासिल लगा एक, दो पंजे दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह का एक, हासिल लगा एक, दो तीन छह, छह और एक सात, सात। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ का निशान बनाएंगे ना, ठीक है। अब पांच जीरो जीरो इनको जोड़िए, कितना आएगा नीचे यहाँ पर, पांच ही आएगा। अब पांच और दो सात, छह नहीं, पांच और दो सात, ध्यान दीजिए पप्पू आप, सात, छह और एक सात, सात और दो
नौ। शाबाश। एक चार पाँच, पाँच और छह ग्यारह, ग्यारह का क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक, एक। हासिल लगा एक। आठ एक नौ, नौ दो ग्यारह, और ग्यारह में चार जोड़िए पंद्रह, पंद्रह का पाँच, पाँच हासिल लगा एक, एक। सात एक आठ, आठ एक नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह का एक, एक हासिल लगा एक, एक एक दो, दो सात में दो जोड़िए नौ, नौ, नौ और एक दस, दस का जीरो, शून्य हासिल लगा एक, सात एक आठ, आठ। कुल योग कितना आया? इस तरह संख्या हुई 8,51,975। क्या लिखा है बताइए, क्या संख्या है? 8,51,975।